हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गूगल एडसेंस अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें हमें करनी है। तो पहले गूगल एडसेंस होता क्या है बता देता हूं। गूगल एडसेंस गूगल की एक एजेंसी है जिसमें अप्लाई करने से हम अप गूगल के एड्स को हम अपनी वेबसाइट में शो कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, गूगल एडसेंस में अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तब हमारा जो है एडसेंस अप्रूव होता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं पहले देख लेते हैं। पहला है राइट हाई क्वालिटी कंटेंट। तो आपको जो है हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है, आपको दूसरों की कंटेंट की कॉपी नहीं करनी है, अपना आपको प्योर कंटेंट लिखना है, वो भी आपको SEO ऑप्टिमाइज लिखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, क्रिएट ए प्राइवेसी पॉलिसी फॉर योर ब्लॉग। आपका जो वेबसाइट है, चलिए मैं एक वेबसाइट देख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक वेबसाइट है economictimes.indiatimes.com, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको गूगल एड भी शो कर रहा है। ये देखिए साइड में दो गूगल एड्स लगे हुए हैं फ्लिपकार्ट के। तो देखिए इनका जो वेबसाइट है वो एडसेंस अप्रूव्ड है। तो हम जाते हैं सबसे डाउन पे, हम देखते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ इन्होंने कहाँ पे प्लेस किया है। तो देखिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज तो इनके वेबसाइट में होगा, लेकिन कहाँ पे प्लेस किया है वो एक बार हमें देख लेके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी इनका पेज है। तो ये पेज जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे आसान एक टूल है, उसका नाम है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे देखिए ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे अपनी वेबसाइट की, वेबसाइट नेम, वेब कंपनी नेम एंड कंपनी URL। तो आपका फ्री पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होगा, वो उसका एक आप पेज बना दें। तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है क्रिएट अबाउट अबाउट अस पेज, ठीक है। अबाउट अस पेज में देखिए कम अब आपकी जो कंपनी है, या अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपने बारे में या अपनी कंपनी के बारे में आप जो है अपना डिस्क्रिप्शन लिखें कि आपकी कंपनी क्या करती है, कितने सालों से काम कर रही है, आपका मोटो क्या है, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको लिखनी है। और चाहें तो आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना पोर्टफोलियो भी अबाउट अस में दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेटअप ए कॉन्टैक्ट अस पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज क्या होता है, जहाँ पर हम अपने एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर को लिखते हैं, और हम अपना एक चाहें तो अपना वहाँ पे एक फॉर्म भी प्लेस कर देते हैं कि इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस जस्ट फिल दिस फॉर्म। तो जैसे कि मैं एक वेबसाइट का मैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिखा देता हूँ। तो चलिए इसी वेबसाइट का हम लोग देखते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कहाँ पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ यहाँ हमें कॉन्टैक्ट अस मिल गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, कंपनी नेम, इनका पूरा एड्रेस, इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपको भी अपना कॉन्टैक्ट अस बनाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हैव ए क्लियर नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। अब हम वेबसाइट के थ्रू समझते हैं कि ये होता क्या है। कि देखिए इन्होंने देखिए एक मेन्यू बनाया हुआ है ऊपर में, आप वेबसाइट जब खोलेंगे तो इनका जब टॉप बार है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए होम, वेल्थ, सारी चीज़ों को इन्होंने ब्यूटीफुली इन्होंने प्लेस किया है, ताकि यूज़र को कहीं भी जाने में, कोई भी टॉपिक खोजने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो अपना वेबसाइट का जो नेविगेशन है, मतलब नेविगेशन मतलब होता है आपके वेबसाइट का पाथ, आपका रास्ता आपकी वेबसाइट का, कि कहाँ से आप कहाँ ले जा रहे हैं यूज़र को, फिर वो वापस आ सकता है कि नहीं उस अपने होम पेज पे। तो वो सारा नेविगेशन है वो आप ध्यान में रख के वेबसाइट को बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैव सम गुड नंबर ऑफ पोस्ट। तो देखिए इसमें, इस वेबसाइट में economictimes.indiatimes.com में बहुत सारे पोस्ट लिखे होंगे। जैसे मैं टैक्स सेविंग क्लिक करता हूँ तो देखिए टैक्स सेविंग के ऊपर ये पोस्ट है, और भी रिलेटेड मल्टीपल पोस्ट है। जैसे मैं एक पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इन्होंने पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है इनकम टैक्स के ऊपर। तो इसी तरीके से कम आपको गूगल एडसेंस अप्लाई करने से पहले 10 ब्लॉग आप लिख लें, ठीक है। उसको SEO ऑप्टिमाइज कर लें, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाए। आप गूगल एडसेंस अप्लाई करने से पहले आप 1 मंथ रुक जाएं, वेबसाइट डेवलप करने के बाद आप बाकी तब तक जितने भी प्रोसीजर हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज, ब्लॉग्स लिखना, SEO करना, तो ये सारी चीज़ें पहले कर लें, प्राइवेसी पॉलिसी डाल लें उसमें, तो ये सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद आप एडसेंस में अप्लाई करें, हड़बड़ी ना करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मेक श्योर योर 18+। तो देखिए आपका जब गूगल एडसेंस में जो जीमेल अकाउंट जो लिंक करेंगे, वो जीमेल अकाउंट आपका 18+ से बना होना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्रूव योर ब्लॉग डिज़ाइन। अब आपकी जो ब्लॉग की डिज़ाइनिंग हो वो अच्छी होनी चाहिए, गूगल इसको चेक करेगा। आपकी वेबसाइट एक बार मैनुअली खोल के देखते हैं उन लोग कि जो वेबसाइट आपकी जो बनी हुई है
उसके जो डिज़ाइन है वो आपके यूज़र्स के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो डिज़ाइनिंग आप इसको सिंपल रखें, आपके जो यूज़र्स हैं उसके हिसाब से सारा डेटा आप एकदम प्रॉपर रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेक योर कंटेंट टाइप। तो आप किस कैटेगरी का कंटेंट बना रहे हैं, क्या कंटेंट बना रहे हैं, उसका आप टाइप आप अपना चेक कर लें कि आप गलत कैटेगरी पे तो कंटेंट नहीं बना रहे हैं। तो वो भी गूगल चेक करता है कि आपका कंटेंट की कैटेगरी क्या है। तो नेक्स्ट है आपका यूज़ हाई लेवल डोमेन। देखिए अब इस वेबसाइट में क्या डोमेन यूज़ किया गया, डॉट कॉम। डॉट कॉम मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल पर्पज़ से, ठीक है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डॉट कॉम यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे हाई लेवल एक्सटेंशन हैं, डोमेन हैं, जैसे डॉट इन हो गया इंडिया के लिए, डॉट ओ आर जी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डॉट ऑनलाइन, ठीक है, वैसे वगैरह वगैरह बहुत सारे आपके डोमेन एक्सटेंशन हैं वो आपको यूज़ करने हैं। लेकिन आप एकदम फालतू डोमेन एक्सटेंशन यूज़ ना करें जो कि पॉपुलर ना हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव अदर एड नेटवर्क। गूगल एडसेंस में अप्लाई करने से पहले अगर आप किसी और एड नेटवर्क से ज्वाइन हैं, ठीक है, तो आप उसको हटा लें। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से गूगल एडसेंस अगर आपको अप्रूवल नहीं देता है तो क्या क्या अदर ऑप्शन है। तो हम चेक करते हैं कि एड नेटवर्क्स, ठीक है, तो एड नेटवर्क्स में देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। और एड नेटवर्क्स फॉर ब्लॉगर्स, फॉर न्यू ब्लॉगर्स, तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास। तो तबूला करके एक आता है वो है, ठीक है, शाउट मी लाउड में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे यहाँ पे। सेवन ऑफ द बेस्ट एड नेटवर्क अगर हम देखें तो ये वेबसाइट में हमको बताया कि कौन कौन सा नेटवर्क है जहाँ से हम गूगल एडसेंस के, देखिए यहाँ पे देखिए गूगल एडसेंस टॉप पेज ने बताया मीडिया डॉट नेट, इन्फो लिंक्स, चितिका, एड कैश, ठीक है, तो एग्जॉक्लिक। तो ये सारे लोग, अगर आपका गूगल एडसेंस नहीं अप्लाई होता तो आप हताश ना हो, आप दूसरे एड नेटवर्क को, गूगल एडसेंस फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है, वो एक एड नेटवर्क है, बस आप ये समझें, मोस्ट पॉपुलर है इसलिए हम उनका नाम जानते हैं। तो ये देखिए बाकी जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं ये भी आपको एड शो करने के पैसे देते हैं, तो इनसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैक योर ट्रैफिक सोर्स। तो आपकी वेबसाइट में कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, तो वो होता है ट्रैफिक सोर्स। तो आपका वेबसाइट से इररिलेवेंट जगह से ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ फेक वेबसाइट्स होते हैं, जो इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट्स रहते हैं जिसमें गलत गलत कंटेंट होता है, तो वहाँ से आपकी फॉरेन ट्रैफिक नहीं आने चाहिए। और अनटारगेटेड, जैसे कि मान लो आपका वेबसाइट हेल्थ के ऊपर है और आपकी आपका जो ट्रैफिक आ रहा है वो मान लो आपका एजुकेशन से आ रहा है, या फिर मान लो कहीं और चीज़ों से आ रहा है, फूड से आ रहा है, तो समझ आइए। तो वो जो इररिलेवेंट ट्रैफिक जो है वो आपकी वेबसाइट में नहीं आना चाहिए, और ऐसी वेबसाइट से नहीं आना चाहिए जो खुद ब्लैक मार्क हो, तो वैसे वेबसाइट से आपके ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बातों का आप ध्यान रखें एडसेंस अप्लाई करने से पहले। और एक बात, अब मैं नेक्स्ट आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है गूगल एडसेंस में, क्या उसका प्रोसीजर है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने, अगर आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है तो आप कैसे ऐड प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।